guys, welcome back to my channel. I think this is the third attempt where we are shooting this video because हम दोनों के फोन में मेमोरी नहीं थी और बहुत सारे fuck up हो रहे हैं. I think मैं इसके साथ शूट कर रही तो आज दिन ही खराब है. I don't know, मैं तो एंजल नंबर बिलीव करता हूँ. मैंने तो 4x4 देखे हैं यार, मेरा तो दिन खराब ही जाने वाला है. मॉडल आगे बोलना अपने बारे में कुछ तो. अरे कुछ नहीं यार, आज हम बात करेंगे कुछ डेट्स के बारे में और श्रेया कुछ क्वेश्चंस करने वाली है मुझसे, स्पेशली फॉर ऑल द बॉयज जो भी देख रहे हैं. सो कुछ हम बात करने वाले हैं डेट्स के एसेंशियल के बारे में, क्या हमें माइंड में रखना चाहिए. एंड आई थिंक अब चूदी करेंगे थोड़ी. स्टे ट्यून्ड प्लीज, पूरी वीडियो देखिएगा ताकि हमें बहुत सारा पैसा मिले. मैं बंगला बनाऊंगी, गाड़ी लूंगी. आपको डेट्स में क्या पहनना चाहिए, कैसे होना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए और उसके बाद क्या करना चाहिए. अरे यार कुछ नहीं, घूमना फिरना, नाचना गाना, ऐश करना और क्या. प्यारी समझ गई. ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू यू अप्रोच अ गर्ल फॉर अ डेट. डू नॉट कॉपी माय आंसर. इफ यू डू आई विल फकिंग एंड यू. देखो गाइस, अप्रोच करने की ज्यादा बात नहीं, आई एम नॉट गुड एट इट. तो इट्स वेरी ऑब्वियस, अगर आप किसी चीज में अच्छे नहीं हो तो उसे एक्सेप्ट कर लो. आई एम नॉट गुड एट इट एंड बट इवेंचुअली आई ट्राई टू यू नो स्लिप अराउंड एंड कुछ ना कुछ करके स्लिप अराउंड एंड समवेयर कर कुरा के आई फाइंड माई सेल्फ कि मैं पूछ लूँ लड़की से आइदर फॉर अ कॉफी, आइदर फॉर अ मीटअप, आइदर फॉर अ कैच अप. सो इवेंचुअली इट्स योर वे. बड़ा बहुत सा चटनी गाइस, गो योर वे. किसी की ऐसे नहीं करना जो आपको लगता है अंदर से, जस्ट गेट टू दैट, एज सिंपल एज दैट. अगर उनको जो लगता है वही हम करने दो, हम टिप्स क्यों दे रहे हैं उनको. टिप्स का मतलब ये कि बी, टिप्स ये है कि बी योर कैंडिड सेल्फ यू आर आस्किंग अ गर्ल आउट. सो इफ यू फील लाइक कि मैं कॉफी के लिए पूछ लूँ, कॉफी के लिए पूछ लो. इफ यू फील लाइक लेट्स कम होम एंड वॉच नेटफ्लिक्स, उसके लिए पूछ लो. इफ यू फील कि बुक पढ़ने के लिए आ जा, लाइब्रेरी चलते हैं, दैट्स ऑल्सो वे, वेरी नाइस वे टू एक्चुअली हैंग आउट विद अ गर्ल. So yeah. I think you must definitely try your way and that's the first step. Go to a library, start reading books. क्योंकि वहाँ पर तो हम बात कर ही नहीं सकते. वहाँ पे बात नहीं कर सकते, but वहाँ पे हमारी vibe match कर सकती है. वहाँ पे उससे बहुत सारी जो words में जो चीज़ नहीं हो सकती ना, वो library में हो सकती है. Are you an introvert? I was an introvert. I'm still. I am kind of semi-introverted. Something I don't know if the word exists. Ambivert. I don't know what the meaning of. Diana, पता है? Ambivert. A bit of. सबसे अच्छा वे जो है इंटरेक्ट करने का वो इंस्टाग्राम, बिकॉज इंस्टाग्राम टिंडर बन चुका है. सो if the girl is interested, she's going to reply to you, but if she's not interested, she's not going to reply. I feel because that is my way of having a conversation with a guy. If I'm interested, I'm going to reply to him. That's so long. Jaldi jaldi bhi nahi karungi ki usko lag jaye ki I'm interested, but if I'm interested, I'm still going to like see the messages or make efforts jitne zaruri hai. एंड आई फील अगर लड़की इंटरेस्टेड है तो ही आप डेट के लिए पूछो, अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो प्लीज उसको चेज मत करो क्योंकि उसके पास लाइन लगी हुई है. मजाक मेरे पास लाइन ही लगी हुई है. व्हाट द फक, शेयर योर सिंगल राइट. आई एम सिंगल. कहां है लाइन, कहां है लाइन गाइस. इट्स नॉट लाइक पीपल डोंट वांट टू गो ऑन अ डेट विद मी. आई डोंट वांट टू गो ऑन अ डेट विद देम. व्हाई दो,
वैसा कोई अच्छा लड़का मिला नहीं मुझे. अच्छा लड़का नहीं मिला, राइट साइड में देखो क्या पता. एक एक लड़के के साथ मैं डेट पे गई थी बहुत टाइम पहले, ठीक है. तो उसने वो उसने क्या किया, हम खाने गए थे कहीं, तो ही वाज लाइक के मेरे पास हम स्टॉल पे गए थे खाने, ठीक है. तो बड़ा नहीं बड़ा पाव रोल, चिकन रोल. तो ही वाज लाइक के मेरे पास जीपे नहीं है और पेटीएम नहीं है, कैश नहीं है, आई हैव दैट कार्ड, और कार्ड स्टॉल्स पे नहीं चलता है. इट्स नॉट लाइक आई डोंट माइंड पेइंग फॉर हिम, क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट था, बट आपको ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी. इट्स नॉट लाइक ही हैज टू पे द होल अमाउंट, वी कैन स्प्लिट, बट ऑप्शन तो लेके आ. या डेट पे आया तू, ऑप्शन तो लेके आ. आई थिंक प्रेप तो कर गया थोड़ा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट टर्न ऑफ इफ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. व्हाट यू शुड वेयर ऑन द फर्स्ट डेट. फर्स्ट डेट पे यू कैन प्ले सेफ भाई. मैं तो एकदम सेफ प्ले करता हूँ, जैसे कि अभी मैंने सेफ प्ले करा. कुछ ना समझ आए, ब्लैक या व्हाइट शर्ट उठाओ, पहन लो, एंड यू आर गुड टू गो. और अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड फॉलो करते हो गाइस, तो कुछ टेक्सचर के साथ खेल सकते हो, जैसे दिस इज अ वेलवेट टेक्सचर. तो आई थिंक ट्रेंड भी फॉलो हो जाएगा और सेफ प्ले भी कर लोगे, उसे बहुत ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है. गो ऑल ब्लैक और ऑल व्हाइट, दैट्स इट. जस्ट टेक अ शावर एंड कम ऑन द डेट, दैट्स ऑल्सो नाइस. वो तो मैंडेटरी है, बट उसके अलावा just go straight to the point and good to go. Is a guy who smells nice on a first date nahi lagaya isne perfume, theek hai, bahut ye fashion expert banta hai, iski shirt mein se koi smell nahi aa raha. Ye lagaya tha maine, acha wala change kar liya, sorry. Okay, sorry. Ha, aur kya pasand hai shreya tumhe? Aur a guy who can make me laugh or who can laugh on my jokes. मस्त जोक मारा. फेक लव. हां, हूज गुड लुकिंग, वेल मेंटेन्ड, एंड या ऑल गुड ऑर्डर. आई थिंक 80% तक चलेगा ना, 80% इज द फर्स्ट ग्रेड. मैं अपनी फ्रेंड्स से सेटिंग करा रही हूं देख. तो भी जिसके बारे में कुछ आईडिया नहीं है, प्लीज कट कर दो इसको. नहीं नहीं, मैं अपनी फ्रेंड्स से भी सेटिंग करा रही हूं. This is how you friend zone a guy. बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो. So next question is पहली डेट पे कहाँ जाना चाहिए? Because it's very confusing, समझ नहीं आता है पहली डेट पे कहाँ जाएं, क्या बात करें. So yeah, again just like the first one, मैं यही बोलूँगा कि आप कुछ जिधर मने उधर जाओ, जिधर मने उधर, but जो आपका point of कहते हैं ना कि पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना, वो एक पॉइंट पे होना चाहिए. मतलब दोनों को वो प्लेस उतनी ही पसंद होनी चाहिए. कॉमनैलिटी कभी कभी बहुत ज़्यादा काम आती है. अगर आप कंपैटिबिलिटी है ना, तो आई थिंक आप जाओगे. अब लड़की को क्लब पसंद है, आपको भी क्लब पसंद है, आई थिंक दैट द बेस्ट थिंग, बिकॉज आप दोनों फुल इंजॉय करने वाले हो वहाँ पे. और कॉफी डेट पसंद है तो कॉफी डेट पर आप जाओगे, तो आई थिंक वहाँ भी आप बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होने वाले हो. एंड गर्ल के लिए स्पेशली कम्फर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज कम्फर्ट, उसके बाद सारी दुनिया भर की चीज़ें आती हैं. So I think अगर लड़की कंफर्टेबली है, I think that's the worst thing that you can actually go for. So go accordingly, choose a place जो कि उससे और आपके दोनों के इंटरेस्ट को एक कॉमन ग्राउंड मिले. If डिफरेंस भी है तो try to strike a common ground. हाँ, even I feel, मुझे तो वैसे adventure park वगैरह जाना पसंद है. Adventure park जाना. Yeah. उसके अलावा. On a first date. On a first date. Adventurous हो कुछ. But I feel के adventure park में उसके साथ जाना पसंद करूँगी, इससे मैं vibe करती हूँ. Yeah. मैं first date पे नहीं जाना चाहूँगी adventure park. Exactly. So I would want to go maybe to a club जहाँ ज़्यादा बात भी नहीं होती, थोड़ी बड़ी बात हो और आप डांस कर पाओ, और on a eating का date जहाँ मैं खा पाऊँ और तुम मुझे देख पाओ. अच्छा, ओके ओके. और व्हाट अबाउट अ मूवी डेट? बोरिंग. बोरिंग. यू शुडंट, हाउ विल यू नो द अदर पर्सन व्हेन यू आर गोइंग ऑन अ मूवी डेट? ओह माय गॉड. तो कुछ दिन पहले एक लड़की ने मुझसे कहा, इफ यू आर गोइंग ऑन अ फर्स्ट डेट, सबसे पहले मूवी जा. सो यू हैव समथिंग टू टॉक आफ्टर द मूवी, एंड नाउ शी इज पलटोइंग आफ्टर रिसीविंग माय वाहेगुरु जी के बारे में इसको समझा रही हूँ कि पूजा पाठ करना चाहिए, जो कि नहीं करता है.
when the bill comes, girls, do not go to the washroom because they know now. जब मेरी ट्रिक है वो पता चल चुकी है तो इट्स बेटर टू स्प्लिट. एवरीवन नोज दैट. आई फील जैसे फॉर एग्जांपल मैं नहीं चाहूंगी फर्स्ट डेट में पूरा बिल पे करो. इवन यू वुडंट वांट दैट. ठीक है, सो इट्स बेटर टू स्प्लिट द बिल ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो. फिर नेक्स्ट टाइम से यू कैन डू समथिंग लाइक के तू बिल पे कर दे या फिर एक दिन मैं पे कर दूँ, समथिंग लाइक दैट. फर्स्ट डेट पे दोनों को ऑफर करना चाहिए. ऑल्सो फॉर एग्जाम्पल से बीच डेट में वो गायब हो जा रही है या वो बंदा गायब हो जा रहा है तो समझ जाओ कि तुम्हारी पैंडा फिस हो गई है. क्योंकि हर डेट पे मैं जैसे फॉर एग्जाम्पल जाती हूँ डेट पे तो मैं पहले किसी फ्रेंड को बोल के आती हूँ कि मैं अगर मैसेज करूँ तो प्लीज गिव मी अ कॉल एंड टेल मी समथिंग इज लाइक अर्जेंट एंड यू हैव टू कम हियर सो यू कैन एग्जिट द डेट गोइंग बैड. सो जस्ट अंडरस्टैंड द हिंट. मैंने तो बहुत सारी चीजें सीखी अभी जो कालर ने बोली. मैं तो ये देखने वाला हूँ अब नेक्स्ट टाइम कोई लड़की कट लेंगे. ज्यादा टेंशन लेने की कोई लोड नहीं है. कॉफी डेट पे जाता है, कॉफी पी, सैंडविच का, पिज्जा का, सब खा. और अगर जिम फ्री के बंदी जिम जाती है तो भी ऐसी जगह लेके जा जहाँ अच्छा चिकन या अच्छा एग मिलता हो विद फुल ऑफ फाइबर. गाइस जस्ट बीट दैट आउट. बाकी क्लब में जा रहा है पी के टल्ली नहीं होना, टिप्सी रहना. दैट इज द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू. मैं पी के टल्ली में पागल हो गया वहीं पे. हाँ, ऐसा नहीं करने का भाई कि दूसरी लड़की पे लाइन मार लिया है रुर कर रहे भाई, ये तो बिल्कुल मत करना. अगर ये करना है ना तो डेट पे मत जाओ. तू क्लब पे जा और जो करना है कर. बट इफ यू आर गोइंग आउट विद अ गर्ल you must remember ki wo ladki wahan khadi hai, so try to be little, not go overboard with it, drink thoda and yeah. Also I would like to add, give her the attention. That's the most effective part of it. Yeah, if you're not giving her the attention on the first date, yeah, she's not gonna see you on the second one. Yeah, definitely. So give her the attention. The attention. Now, all the tips that we have given you, kuch agar samajh aaya ho, to please comment section mein bataiye. Aur kuch samajh na aaya ho, wo bhi comment section mein bataiye. Or if you want a second part of this with this stupid guy, let me know. Mujhe jana hai ki ab next kis pe baat karna chahte ho. Also, chudiyan kare in this pe. Tell us if we should go on a date. Ab please comment kar do. Please comment kar do. ठीक है, चलो हमको बताओ हमें जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि हम तो रेडी है. फटाफट से कमेंट कर दो, मैं रेडी हूं. जल्दी जल्दी बताओ. ठीक है, बस हमें जूते पहने क्योंकि हम चप्पल में बैठ के शूट कर रहे हैं. हमें बस फुटवेयर पहने हैं एंड देन वी आर गुड टू गो. वी आर गुड टू गो. ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग. आई होप यू हैड फन एंड लेट मी नो व्हाट यू थिंक अबाउट दिस वीडियो एंड ऑल द टिप्स दैट वी हैव गिवन यू. एंड enjoy your dates guys. Also love you. Bye bye, take care guys, see you super soon and comment down. Yes, finally we got it done.